म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन एक्चुअली इसे करने के लिए आपको सिर्फ 4 या 5 चीज़ों का ध्यान देना है। हेलो नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपकी ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं 4th, 14th और 24th तारीख को। ये वीडियोस मैं बनाता हूं हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप अपने प्रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज में आप ये वीडियोस देख सकें। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और सारे सवालों के बारे में जो आपके मन में आते हैं, जिससे आप अपना पैसा अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। हमारी कंपनी का मोटो है अर्न योर फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू योर पेचेक्स, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपना पेचेक अच्छी तरह से यूटिलाइज करना सीख जाएं, अगर आप समझ लें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे अपना पैसा खर्च करना है, तो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम इन वीडियोस के थ्रू, फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू, थोड़ा और मेहनत करके, थोड़ा समझने के थ्रू अपना आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपने पेचेक्स के थ्रू पा सकते हैं। इस पूरी जर्नी में अगर मैं कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे अपने सवाल पूछिए, मुझे अपने सुझाव दीजिए, ताकि मैं उन सुझाव से अपने आगे के आने वाले वीडियोस और सुधार सकूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मैं इस चैनल पर बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैंने सारे वीडियोस जो पहले बनाए हैं उसमें मैंने सारे सवाल, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड हाउस कैसे काम करता है, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर का क्या काम होता है, SIP क्या है, SIP इतना फेमस क्यों हुआ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको, ये सारे सवालों के जवाब मैं पहले वाले वीडियोस में दे चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस पहले कभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, जहाँ पर मैं सारी की सारी लिंक्स आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लेकर आऊँ या अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ सके, ताकि आप वो वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ हर 10 दिन में आपको एक नया वीडियो दे सकूं, जिससे आपको आपके ही इन्वेस्टमेंट्स करने में आसानी हो। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। ये समझने के पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हो, समझ लेते कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बहुत सारे लोग एक जगह पर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या एक जगह पे अपना पैसा जमा करते हैं, उस जमा की हुई पूंजी को एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करता है इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर। म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और इक्विटी शेयर्स में। इन सारी जगहों पे इन्वेस्ट कर जो भी फायदा होगा, वो ये सारा का सारा फायदा वापस इन इन्वेस्टर्स को मिलता है। और ये सारा काम करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपसे एक छोटी सी फीस डिमांड करते हैं। ये पूरा तरीका है म्यूचुअल फंड के काम करने का। अब ये समझ में आ जाने के बाद आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर मार्केट में हज़ारों स्कीम्स हैं, तो आप एक स्कीम कैसे चूज़ करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। ये मुनाफा करने के लिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पसंद का म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 2 चीज़ों की क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी होगा। पहली चीज़ ये कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना है। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो फंड्स चूज़ करोगे वो अलग होंगे। अगर आप 5 साल के लिए चूज़ कर रहे हो तो आप एक अलग अप्रोच के साथ इस फंड को चूज़ करोगे। अगर आप रिटायरमेंट फंड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका अप्रोच फंड्स की तरफ अलग होगा। और इसी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर किसी गाड़ी या घर के डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप रिटायरमेंट फंड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो 20, 30, 40 साल के बाद आपको इसका यूज़ करना है, तो आपका अप्रोच बहुत अलग होगा। उसके लिए आप थोड़ा रिस्क वाला म्यूचुअल फंड शायद ले पाओगे। इसलिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक, आपका टाइम फ्रेम कितना है, और दूसरा, आपका रीज़न क्या है इन्वेस्ट करने का।
म्यूचुअल फंड जब नया मार्केट में आता है तो म्यूचुअल फंड हाउस एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसको कहते हैं NFO या न्यू फंड ऑफर। इस डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड कंपनी और म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इस म्यूचुअल फंड का, जो आपको पता होना जरूरी है। इसमें आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर बताएगा कि वो कितना प्रतिशत पैसा आपका इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे और कितना प्रतिशत पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये आपको पता होना थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि इक्विटी या शेयर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे डेट मार्केट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, लेकिन उसमें जो रिस्क होता है इन्वॉल्व वो रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। अगर आप न्यू फंड ऑफर पढ़ रहे हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये म्यूचुअल फंड किस दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इससे आप कितना रिस्क और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये NFO डॉक्यूमेंट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि NFO डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड जो भी कहता है उसे अपना इन्वेस्टमेंट उसी NFO डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही करना पड़ता है और इसकी देखरेख करती है सेबी। हर 3 या 6 महीने में म्यूचुअल फंड खुद सेबी को अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें वो बताता है कि उन्होंने जो NFO डॉक्यूमेंट में कहा था उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग उस म्यूचुअल फंड की NFO डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही की है। इससे एज एन इन्वेस्टर आपका पैसा बचा हुआ रहता है और एक गवर्नमेंट बॉडी है जो आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान देती है आपके लिए। म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक और तरह से इन्वेस्ट करती है, वो ये है कि वो इन्वेस्ट करेगी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो आपको भी रुझाव दे सकती है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करने वाली है आने वाले 10 सालों में, तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं जिसका काफ़ी हद तक का फोकस बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हो। ऐसे ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, रिटेल का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी है या नज़दीकी से जानकारी है तो आपका जो सोचने का तरीका होगा उस इंडस्ट्री का दूसरे लोगों से हटकर होगा। तो अगर आपको लगता है, समझ लीजिए, ट्रैवल टूरिज्म एविएशन इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, तो आप अपना पैसा ट्रैवल टूरिज्म वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, आप फार्मास्यूटिकल को इग्नोर करेंगे। लेकिन अब 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो और अगर आपको इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपकी मदद करता है एम्फी। एम्फी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। एम्फी वैसे तो एक गवर्नमेंट बॉडी है या एक एसोसिएशन है जिसने एक रूल बनाया है जो आपके बहुत काम आता है और वो है रिस्कोमीटर वाला टूल। आपको आपकी स्क्रीन में अभी नज़र आ रहा है एक रिस्कोमीटर जिसमें आपको मालूम पड़ता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क इन्वॉल्व या तो लो है या तो मॉडरेट है या तो हाई है। ये आपको क्या बताता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप रिस्कोमीटर को देखकर समझ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड की या ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क मीडियम है, लो है या हाई है। इससे क्या होता है, July 1, 2015 से एम्फी ने ये चीज़ कंपल्सरी कर दी है हर म्यूचुअल फंड के साथ। तो जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी खाने की जगह पे जाते हो तो सिर्फ वो ग्रीन डॉट देख के आपको समझ में आ जाता है कि जो आप खा रहे हो वो वेजिटेरियन है। भले फिर अगर आपने कभी ज़िंदगी में मशरूम या ब्रोकली ना खाया हो तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता क्योंकि अगर आपने ग्रीन डॉट देख लिया तो वो वेजिटेरियन है। उसी तरह रिस्कोमीटर को देख कर आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपके कैपिटल को रिस्क मिनिमम टू मिनिमम है, तो आप इसमें थोड़ा और आसानी से या बिना किसी स्ट्रेस के इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स होते ही क्यों हैं, तो आपको ज़रा समझना ये होगा, एक कहावत है अंग्रेज़ी में, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस फंड्स होने के कारण वो रिस्क ले पाते हैं। जब वो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इक्विटीज़ में या आने वाली ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फार्मा में अगर अभी हमारे पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि फार्मा कंपनियां आने वाले 5 सालों में कैंसर का सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगी
तो आज उसमें किया हुआ निवेश 5 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन ये रिस्क है। अगर ये सोच जो म्यूचुअल फंड मैनेजर की है अगर गलत हो गई, तो जितना भी पैसा निवेश किया था इन्वेस्टर ने, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न ना दे पाए। इसके लिए हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टर की चॉइस होती है। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं? तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क परफॉर्मेंसेस के साथ। बेंचमार्क परफॉर्मेंस होता है सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स या निफ्टी शेयर बाज़ार का समझ लीजिए एक थर्मामीटर या बैरोमीटर है। अगर सेंसेक्स 8% बढ़ा है एक साल में, और अगर आपका म्यूचुअल फंड सिर्फ 6% बढ़ा है, तो ये म्यूचुअल फंड गलत हुआ या इसने आपको अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप चाहते तो आप सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिलेटिवली सेफ माना जाता है। तो आप क्यों म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दोगे, क्यों म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दोगे, अगर आपको वो सेंसेक्स या निफ्टी जितना भी रिटर्न ना दे पाए? तो इसी हिसाब से आपको अगर समझ में आ जाता है कि NFO डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैसे आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा आपका पैसा, कितना डेट में जाएगा, कितना इक्विटी में जाएगा, कौन सी इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करेगा, कौन सी इंडस्ट्री को वो अवॉइड करेगा, आपका रिटर्न बेंचमार्क से कितना मैच कर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और रिस्कोमीटर में अगर आपका म्यूचुअल फंड कहाँ पे खड़ा होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाए, और अगर आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम 3 से 5 साल का है या 10 या 12 साल का है, तो आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन एक्चुअली इसे करने के लिए आपको सिर्फ 4 या 5 चीज़ों का ध्यान देना है। मैं आशा करूँगा आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आप जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर पाएंगे। अगर आपके और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना, एक रीज़न है कि मैं पेचेक टू प्रॉफिट में आपको किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं आपको बोल देता कि आप ABC म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए नहीं करता हूँ क्योंकि हो सकता है 6 महीने के बाद मेरा रुझाव ABC म्यूचुअल फंड में गिर कर XYZ म्यूचुअल फंड में आ जाए। हो सकता है ABC म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बराबर काम नहीं कर रहा है, या उसका इन्वेस्ट करने का तरीका मुझे सूट नहीं करता है अभी, या मैंने अभी थोड़े हफ्ते पहले XYZ म्यूचुअल फंड डिस्कवर किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे पेचेक प्रोस को ऐसा कोई भी मैं रिकमेंडेशन दे दूँ जो आगे जाकर उनको फ़ायदा ना दे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं, जिसके हिसाब से आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सके। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको उस हिसाब से ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।